हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर 3 का भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आय की असमानता द्वारा मापी जा सकती है, जो कि RRC ग्रुप डी इलाहाबाद 11 मंथ 2013 को पूछा गया था। ऑप्शन है फर्स्ट औसत, सेकेंड औसत विचलन, थर्ड है मानक विचलन, फोर है लॉरेंस वक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉरेंस वक्र। नेक्स्ट, जे एम किन्स कौन थे, ये भी RRC ग्रुप डी में पूछा गया है। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, भौतिक शास्त्री, जीव विज्ञानी। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्री। नेक्स्ट, और जे एम किन्स का पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट, भारतीय योजना के शिल्पकार के नाम से कौन जाना जाता है, ये भी RRC ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एम विश्वराया, PC महाल नोबिस और देसीय दलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, PC महाल नोबिस। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन योजना को किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन है मानव संसाधन विकास, बी है स्वास्थ्य एवं कुटुंब कल्याण, थर्ड है सामाजिक न्याय एवं अधिकार, फोर है उपभोक्ता संबंधी अन्न एवं सार्वजनिक वितरण। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मानव संसाधन विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी बैंक 2008 में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा संपादित किया गया है। तो ऑप्शन है आपके स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और लास्ट है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों 8 है। और यही पूछा जाएगा कि 9 रत्नों की कुल संख्या कितना है, तो इसका जवाब होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग से नीति आयोग किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि यह जो योजना वर्ष है किस योजना से रिलेटिव है, तो बैंकिंग लोकपाल, इंद्रधनुष योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा बैंक योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इंद्रधनुष योजना। नेक्स्ट, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन है माइक्रो यूनिट्स रिफाइनेंस एजेंसी, दूसरा है माइक्रो रिफाइनेंस यूनियंस एजेंसी, थर्ड है माइक्रो डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, फोर है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स, भारत में कब से लागू किया गया? ऑप्शन है 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2016, 1 जून 2017। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017। और विश्व में प्रथम सर्वप्रथम जो जीएसटी जो लागू हुआ था कहाँ हुआ था विश्व में कहेगा तो फ्रांस, फ्रांस जो है 1954 ईस्वी में इसको लागू किया था। और भारत इसे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया, स्टार्ट कर दिया, लागू किया। और इसे हम 1 जुलाई को दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो भारत में जीएसटी लागू किया गया है इसका जो मॉडल है कनाडा पर आधारित है, उसी का टू है। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? नीली क्रांति, इस ऑप्शन है सौर ऊर्जा, मछुआरों का कल्याण, दाल एवं जैविक कृषि, कृषि का समस्त विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मछुआरों का कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से किस क्षेत्र में एफडीआई का सीमा 100% है? तो मल्टी ब्रांड रिटेल, रिटेल को इसमें खाद है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, थर्ड है बीमा, फोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मल्टी ब्रांड रिटेल खाद, फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिकों से, शिक्षा से, बिजली से, हवाई यात्रा से। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वरिष्ठ नागरिकों से। हृदय योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन हो जाएगा स्मारकों के रख रखाव से, कौशल विकास से, खाता धारक से, सस्ते मकान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, स्मारकों के रख रखाव से। नेक्स्ट, भारत में आधिकारिक जनगणना किस वर्ष आरंभ हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों 1881, 1872, 1891, 1901। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 जो कि फर्स्ट है। और भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ कब हुआ था? तो हुआ था 1872 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और यही पूछा जाएगा भारत में आधिकारिक जनगणना किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1881 में हुआ था, लेकिन किसके शासनकाल में? उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई थी, मतलब आज़ाद होने के बाद, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पहली जनगणना 1951 में हुआ था, जिसमें कि 14 सवाल पूछे गए थे। और यही पूछा जाएगा कि भारत में जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब हुआ था? तो 1921 में। और यही पूछा जाएगा कि भारत में जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कब हुआ था? तो 1951 में। और विश्व में जनसंख्या दिवस, विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लागू किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 2000, सेकेंड 1992, थर्ड 2001 और फोर है 2004। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? ये तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन है केरल, सेकेंड कर्नाटक, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर तमिलनाडु। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, और सेकेंड कहेगा तो मिजोरम 91.3%, और जो कि केरल है 94%, और महिला में कहेगा तो केरल ही है, और पुरुष में भी कहेगा तो केरल है, और सेकेंड में कहेगा तो मिजोरम है 91.3% है, थर्ड कहेगा तो 88.7 यानी 88.7% है त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत की साक्षरता दर है, फर्स्ट है 82.14%, दूसरा 84.04%, तीसरा 65.46%, चौथा 82.4%। तो अभी जो भारत की जिसमें जनगणना हुआ था 2011 की, उस समय 74.04% है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है ये है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि राज्य में सर्वाधिक कौन है, तो केरल है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है बिहार है, केरल, पश्चिम बंगाल की कर्नाटक। तो इसका आंसर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बताया था अभी, केरल होगा, जो कि केरल की जो लिंगानुपात है 1,084 महिलाएं 1,000 पुरुष पे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 1,000 पुरुष पे 1,084 महिलाएं हैं। और सेकेंड कहेगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य तमिलनाडु है, जो कि कितना है 996 है 1,000 पुरुष पे। थर्ड है आंध्र प्रदेश 993 1,000 पुरुष पे। और यही पूछा जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो कौन हो जाएगा, बिहार, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर बराबर होता है, एक एक वर्ग किलोमीटर में 1,106 लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया भी है भारत में सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है तो बिहार होगा, क्योंकि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी 1 किलोमीटर में 1,106 लोग निवास करते हैं। और दूसरा पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का है 228। थर्ड कहेगा तो केरल है 860 पर वर्ग किलोमीटर। तो जय हिंद दोस्तों, आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।